एक साल बीत चुका है और हमने हमास की सैन्य शाखा को हरा दिया है, लेकिन हम संगठन के आतंकवादी क्षमताओं के खिलाफ लड़ना जारी रख रहे हैं। वहीं हिजबुल्ला को बड़ा झटका लगा है, जिसने अपने सभी वरिष्ठ नेतृत्व को खो दिया है, लेकिन हम रुक नहीं रहे हैं। हम लड़ते हैं, सीखते हैं और सुधार करते हैं। एक दिन पहले ही इजराइल डिफेंस फोर्स के जनरल स्टाफ के प्रमुख हर्जी हलेवी ने सैनिकों को लिखे मैसेज में ये तमाम बातें कही थी। इजराइल आज इतिहास में अपने ऊपर हुए सबसे भीषण हमले की पहली बरसी मना रहा है, जबकि 7 अक्टूबर के नरसंहार के घाव अभी भी हरे हैं। ऐसे में हलेवी ने हमले की बरसी पर दावा किया था कि उन्होंने हमास की सैन्य शाखा को हरा दिया है, लेकिन उनके इस दावे की अब हवा निकलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, 7 अक्टूबर 2023 की बरसी के दिन हमास की सैन्य शाखा अल कासिम ब्रिगेड ने गाजा से इजराइल की राजधानी तेल अवीव और गाजा सीमा के भीषण रॉकेट अटैक किया है, जिसके कारण मध्य तेल अवीव में सायरन बज उठे। इजरायली सेना ने इस बारे में जानकारी दी है। इजरायली मीडिया के अनुसार इस हमले में 2 लोगों के चोटिल होने की खबर है। वहीं हमास ने ये भी कहा कि उसने गाजा के विभिन्न हिस्सों में इजरायली सेना पर हमला किया है। हमास की तरफ से ये रॉकेट ऐसे समय में दागे गए हैं जब इजरायल के इतिहास में हुए सबसे घातक हमले के एक साल पूरे होने पर सोमवार को इजरायल के लोगों ने रैलियां निकाली और शोक समारोह आयोजित किए। इस हमले ने गाजा में युद्ध को जन्म दिया और इजरायलियों को कभी ना भूलने वाला घाव दे दिया। हमास ने सोमवार को फिर से रॉकेट दाग कर ये दिखाया कि वह अब भी लड़ाई में बना हुआ है। उसने तेल अवीव और गाजा सीमा के पास रॉकेट दागे, जिससे हवाई हमले के सायरन बजने लगे। बता दें कि इजरायल में नोवा संगीत समारोह के दौरान पिछले साल हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के सैकड़ों परिवार और मित्र सोमवार को हमला स्थल पर एकत्रित हुए। यहां 7 अक्टूबर को हमास के हमले के दौरान लगभग 400 लोग मारे गए थे। परिजन अपने प्रियजनों की तस्वीरों को लेकर आए थे। कई लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर अपनों को श्रद्धांजलि दी। इस स्थल के ऊपर सेना के हेलीकॉप्टर चक्कर लगा रहे थे और पूरे क्षेत्र में लगातार धमाके गूंज रहे थे, जिससे कई लोग घबरा गए। वहीं IDF ने 7 अक्टूबर के हमले से पहले कभी नहीं देखे गए फुटेज जारी किए, क्योंकि उस दिन की अराजकता और उथल पुथल के बारे में कई सवाल अभी भी बने हुए हैं। राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने एक बयान में कहा कि एक साल बीत चुका है जब जीवन ठहर गया था, आसमान काला हो गया था और हम सभी ने दुश्मन की राक्षसी क्रूरता देखी थी, जो यहूदी लोगों, इसराइल राज्य और समाज को खत्म करना चाहती थी।